हेलो नमस्कार, मैं विजय सर आपका स्वागत करता हूँ कृषि में विजय दिया में। तो पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैंने बताया था थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की क्लास मैं पिछली दे चुका हूँ, 10 मिनट की थी वो, उसको देख लेना तो सारे फॉर्म्स हमें याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको पहचान कैसे करते हैं। इसके देखें रिकॉग्निशन, इसको रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है पहचान। इसका मतलब होता है पहचान। पहचान क्या होती है इसकी? ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, या, ई, ए, आदि शब्द ने क्या है इसकी पहचान है। अगर ता था ती थे ये मिल जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक कि इसमें बाय वर्ब का प्रयोग न कर देना, नहीं सोचोगे था है तो हम इसमें बाय वर्ब का प्रयोग कर दें। जब भी ऐसा आएगा तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाग होता है। और हाँ, इसके साथ वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी हम सरल भाग बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और एक और बात, ये कभी नहीं, अगर कभी नहीं वाक्य में आ जाता है तो इसके साथ नेवर और सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग हम करेंगे, इसके साथ हम डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला नियम, जैसे एक आता हमारा रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका रूल है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बनाते कैसे हैं देखेंगे। जैसे जैसे वह है गया तो he went, वे घर गए, दे went to होम। यह है सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें है सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। तो दे वेंट टू होम, इसमें देखते हैं कहाँ चला गया, घर चला गया। ये हमारा है सिंपल नियम, क्या उसको देख ले जल्दी से। देखते हैं इसको, एक नोट लिखेंगे नोट में, पास्ट पास्ट टेंस में कभी भी टुमारो का प्रयोग नहीं होता है। टुमारो का प्रयोग नहीं करते हैं, टुमारो का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ टुडे और यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। भाव के अनुसार
किसके अनुसार? भाव के अनुसार प्रयोग हम करेंगे टुडे और यस्टरडे का, ठीक है? आज तो टुडे, बीता हुआ कल तो यस्टरडे, इसमें टुमारो का प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि ये भविष्य की बात को बताता है, लेकिन इसमें जो समय बीत चुका है उसके बारे में बात करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार समझ लो, समझ में आया हो तो सिंपल कैसे बनाते हैं। वह है बाघ है, वह कल यहां आया था, वह कल यहां आया था, जो कल आ गया। इसमें हम टुमारो का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें करेंगे हम यस्टरडे का प्रयोग। देखो, ही केम होम, ही केम हियर, ही केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे ही केम हियर यस्टरडे। इसमें क्या है? यहाँ की हियर कल की, क्या लगा यस्टरडे आना की, केम, ही केम हियर यस्टरडे। एक और देखते हैं हम, जैसे उसने मुझे, जैसे कि छोड़ दो, उसने मेरी मदद कभी नहीं की। जो क्या गया? कभी नहीं। इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली डिड्स का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है? इसमें नेवर, उसके बाद सेकंड फॉर्म, तो ही नेवर हेल्प्ड मी, ही नेवर हेल्प्ड मी, कभी नहीं है, नहीं कि मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। अगर कभी नहीं आया था बाक में तो नेवर के बाद सेकंड फॉर्म का आना निश्चित है, ठीक है? जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट को प्रयोग करते हैं, जिसको हम देखो अभी आगे बताएंगे, उसको लिख लीजिए पहले। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल, इसकी सही क्रिया डिड होती है, डिड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, डिड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। जैसे कि रूल, रूल सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन अदर वर्ड, इसको नियम देखेंगे फिर बनाएंगे। देखो, डिड अगर नहीं लगाया बाक में तो डिड के साथ क्रिया का प्रथम रूप आता है। ऊपर क्या बताया था मैंने? क्रिया का दूसरा रूप, क्योंकि उसमें नहीं नहीं था, ठीक है? जो वो नेगेटिव नहीं थे, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, वह घर नहीं गया, उसको कैसे बनाएंगे? He did not go to home. He did not go to home. वह घर नहीं गया। अगला बनाएंगे, तुमने पतंग नहीं उड़ाई, तुमने पतंग नहीं उड़ाई, तो उसको बनाएंगे हम, यू डिड नॉट फ्लाई द काइट, यू डिड नॉट फ्लाई द काइट, उसको देख लीजिए जल्दी से।
fly the kite. देखो इसमें सब में नेगेटिव दिया गया है और नेगेटिव साथ डेट के साथ क्रिया का पहला रूप फ्लाई, इसका सेकंड रूप क्या होता है फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन, इसका गो का वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से, देख लीजिए एक बार और देखेंगे इसमें नेगेटिव जो मैं बता चुका हूं पहले। हमने उसे कभी नहीं गाली दी, हमने उसे कभी नहीं गाली दी, ठीक है इसमें है नेगेटिव है कभी नहीं, तो देखते हैं डिड का प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है वी नेवर अब्यूज्ड, कहीं भी अगर कभी नहीं आ जाता है तो डिड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नेवर के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं। चलिए देख लीजिए आगे बढ़ते हैं, चले देते हैं इंटरोगेटिव में। एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप इंटरव्यू, फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप में क्या होता है मैं बता चुका हूं पहले, यस और नो, इसमें यस नो का प्रयोग करते हो, ये होता है क्वेश्चन वर्ड, टू यू क्यू यू ई एस टी आई ओ क्वेश्चन क्या उसने मुझे पीटा, क्या उसने मुझे पीटा, तुम कहोगे यस नहीं पीटा तो नो, ठीक है तो वाक में लगाएंगे पहले डिड, डिड ही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड होता है, डिड ही बीट मी, तुमको पीटा है तो यस करो यहाँ पर, नहीं पीटा है तो अगर पीटा है तो यस, अगर नहीं पीटा है तो नो, अगर पीटा है तो यस नहीं पीटा है तो नो, इसका होता है फर्स्ट टाइप ऐसे होते हैं, ठीक है अब सेकंड टाइप को देखते हैं, सेकंड टाइप कैसे होते हैं, अगर इसमें नोट लगाना चाहते हैं इसको देखो नोट लगा दें, अगर क्या उसने मुझे नहीं पीटा है नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, डिड डिड ही नोट बीट मी, ठीक है डिड ही नोट बीट मी, अब इसमें अपने आप आगे इसमें इस करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे नहीं पीटा है मैंने इसमें जवाब दे दिया है, क्या उसने मुझे नहीं पीटा है, डिड ही नॉट बीट मी, उसने मुझे नहीं पीटा है, ठीक है क्या उसने मुझे नहीं पीटा है, तो इसको जवाब मैंने दे दिया। चलिए अगला देखते हैं, देखेंगे सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम में क्या आएगा, वह है स्कूल क्यों
गया, क्वेश्चन वन, ठीक है। अब इसमें जवाब दे रहे क्यों गया, पढ़ने के लिए गया, जैसे हम कह सकते पढ़ने के लिए गया है ना, स्कूल क्यों जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे। तो सेकेंड टाइम में वाई, इसका मतलब ये होता है इसे बोलते हैं डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वाई डिड ही गो टू स्कूल, वाई डिड ही गो टू स्कूल, वाई डिड ही गो टू स्कूल, इसमें मैंने जवाब दिया वह स्कूल क्यों गया, आप लिख सकते हैं क्यों गया, बिकॉज बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ स्टडी, पढ़ने के कारण, पढ़ने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टडी, क्या करने के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है। तो इसमें हम जवाब को हम देते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव से लेके सेकेंड टाइप क्वेश्चन तक मैंने मजा दिया है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहे, बेल आइकन को दबा दें तो सत्रह नोटिफिकेशन होंगे हमारे आपके पास पहुंच रहेंगे। लाइक एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू, आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी अगली क्लास के साथ, थैंक यू, थैंक यू ऑल।